So, आज हम प्रोडक्ट रिवील करेंगे और ये मेरा चैनल का पहला अनबॉक्सिंग वीडियो है। So, हमने ये अमेजोन सेल में लिया है, बहुत ही लुक्रेटिव प्राइस में मिला है। नाम देख के तो आपको पता चल गया होगा, रेजर वुल्वरीन V2। एक्चुअल प्राइस इसकी है अराउंड 11 से 12 हज़ार रुपया और ये हम लोग को मिला ऑनलाइन में सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपीज। रिव्यूज़ और कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। गूगल पे पर्सनली मैं फर्स्ट टाइम कोई नॉन एक्सबॉक्स ब्रांड पे गया हूँ। मैं पिछले लगभग 2011 में मैंने पहला कंट्रोलर लिया था एक्सबॉक्स 360, वो अभी भी मेरे पास है। ये अभी भी वर्किंग है, बट कुछ बटन्स लाइक RB और XY इश्यूज है, बट कंट्रोल अभी भी चलता है। हैट्स ऑफ टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स। और इसके जैसा पूरा कंट्रोलर शायद ही कोई वर्ल्ड में बना पाया है। ग्रेट ग्रेट कंट्रोलर। अभी 2011 के बाद ये मेरा फर्स्ट नॉन एक्सबॉक्स कंट्रोलर है। ऐसा नहीं कि मैं इसके बाद लॉयल नहीं हूँ एक्सबॉक्स को लेके, ये मेरे और भी कंट्रोलर्स हैं। मेरे फेवरेट कंट्रोलर ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स एक्स का, मैंने लिया था फ्लिपकार्ट के सेल से लिया था विद ब्लूटूथ रिसीवर। ये रहा मेरा सिस्टम और ये थोड़ा सी मेरे टॉयज कलेक्शन। यस, ये भी बहुत ही अच्छा है, इससे अच्छा रिप्लेसमेंट अभी तक मेरे को मिला नहीं। लेट्स सी, रेजर V2 वुल्वरीन, ये हमको या मेरे को पर्सनली कैसा लगता है ये हम जानेंगे। सो ये हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। मैंने सील कट कर दिया है और ये फर्स्ट लुक आपको मैं दिखाता हूँ। ये बॉक्स ओपन, आर यू रेडी? 3, 2, 1। देख सकते हो काफी डिटेलिंग है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। अभी तक बहुत अच्छा फील है। इसको एक बार निकालते हैं। पैकेजिंग 10/10, माइक्रोसॉफ्ट की भी ऐसी पैकेजिंग नहीं आती है। एक नॉर्मल बॉक्स होता है, उसके अंदर कंट्रोलर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट नेक्स्ट कंट्रोलर आपका अगर आएगा तो प्लीज पैकेजिंग से थोड़ा सी रेफरेंस लेके एक न्यू कुछ कूल यूजर्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप भी बताइए कमेंट में आपको कैसा लग रहा है पैकेजिंग। और ये मैं इसको अमेजिंग, बहुत ही अच्छा वेट है और पीछे ट्रिगर कंट्रोल के लिए सेटिंग दी गई है 1, 2, 3 लेवल की। और इसमें इनका टैक्टिकल मैकेनिकल स्विच पहली बार एक्सपीरियंस करूँगा, बहुत ही प्रीमियम। ओ अमेजिंग, क्लिक आप सुन सकते हो, अमेजिंग अमेजिंग, टू गुड। आई थिंक तो सेम फीलिंग है माइक्रोसॉफ्ट वाली, अब ये तो खेलने के बाद पता चलेगा। और हाँ, इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने देखा है कि यहाँ पे आप सेंसिटिविटी लाइक माउस गेमिंग में हम कैसा करते हैं सेंसिटिविटी कंट्रोल करते हैं, इसमें आप एनालॉग कंट्रोल कर सकते हो। सो ये एक अच्छा काम किया है इन्होंने। बाकी आप देख सकते हो ट्रिगर एक्स्ट्रा बटन दिया है, जूम इन एम के लिए, मैनुअल कस्टमाइज के लिए, और ग्रिप काफ़ी अच्छा दिया है, रबर है। डिटेलिंग देख सकते हैं आप लोग, तो जब हम गेम प्ले करेंगे उसका वीडियो अलग आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अनबॉक्सिंग अच्छी लगी, तो चैनल को थम्स अप, सब्सक्राइब, लाइक कर देना ताकि मैं आगे और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वीडियो अनबॉक्सिंग करते रहूँ।